आकाशगंगा में खगोल विदों को एक ऐसा डरावना और रहस्यमयी चक्र नजर आया है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। ये इतना विचित्र है कि हर 18 मिनट में दिखकर गायब हो जाता है, जिसके चलते वैज्ञानिक इसकी पहचान का दूर दूर तक अंदाजा नहीं लगा पा रहे। यही वजह है कि शुरुआत में इसे एलियन मानकर शोधकर्ता चिंता में पड़ गए थे, लेकिन फिर ये सही साबित नहीं हुआ। एक शोध के दौरान इसे देखने वाले ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं का कहना है कि तेजी से घूमती ये चक्राकार आकृति धरती से 4000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जो न सिर्फ बहुत चमकदार है बल्कि इसका चुंबकीय क्षेत्र बेहद मजबूत है। यह हर घंटे में 3 बार भारी मात्रा में रेडियो ऊर्जा फेंक रहा है। नेचर पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चक्र को हमारी आकाशगंगा में रेडियो वेव सर्वे के दौरान एक यूनिवर्सिटी शोधकर्ता ने पकड़ा था। यह शैतानी वस्तु ना तो कोई सुपरनोवा है ना ही कोई पल्सर, जिसके चलते फिलहाल इसे कोई नाम देना असंभव है। हालांकि इसकी पड़ताल के लिए ज्यादा जानकारियां जुटाई जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की कार्टिन यूनिवर्सिटी की रेडियो एस्ट्रोनॉमर और इस वस्तु को खोजने वाली टीम की प्रमुख नताशा हर्ले वॉल्कर का कहना है कि वस्तु इस तरह दिखती है और गायब होती है जैसे किसी ने समय तय कर रखा हो। शोध के दौरान जब हमने इस पर लगातार नजर रखी तो पता चला कि ये अब तक की सबसे अलग तरह की अंतरिक्षीय वस्तु है। वॉल्कर के मुताबिक हालांकि अंतरिक्ष में पल्सर जैसी कई वस्तुएं हैं जो दिखकर गायब होती हैं, लेकिन इतने सटीक समय में ये गतिविधि करते आज तक किसी को नहीं देखा गया। वॉल्कर कहती हैं कि 20 मिनट में इतनी ज्यादा रेडियो ऊर्जा पैदा करना असंभव है। क्या अंतरिक्ष से आते इतने मजबूत रेडियो संकेत एलियंस द्वारा भेजे जा रहे हैं? इस सवाल पर वॉल्कर ने कहा कि शुरुआत में ऐसा मानकर हम चिंता में पड़ गए थे, लेकिन शोधकर्ता व्यापक आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसी से आते इन संकेतों का निरीक्षण कर रहे थे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।